अस्सलाम वालेकुम गाइस, पाकिस्तान में किसका मोबाइल कब तक चलेगा? अगर आप नया मोबाइल लेते हैं तब भी आप ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके मोबाइल कब तक चलेंगे और कौन से मोबाइल हैं जिनको बंद कर दिया जाएगा। सो गाइस, जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन प्रेस कर दीजिए। इसका फायदा ये होगा कि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स के आएंगे वो सबसे पहले आप देख सकेंगे। सो गाइस, मोबाइल फ़ोन सार्फिन नए या इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले अपने सेट के IMEI नंबर की तस्दीक कर लें। जनवरी के बाद जाली, गैर शुदा और स्मगल शुदा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगे। 15 जनवरी की डेट आ चुकी है, इसके बाद जाली मोबाइल फ़ोन या गैर रजिस्टर शुदा फ़ोन को बंद कर दिया जाएगा। सार्फीन नई या इस्तेमाल शुदा मोबाइल डिवाइसेस खरीदने से पहले IMEI नंबर की तस्दीक जरूर कर लें। 15 हिस्सों पर मुश्तमिल IMEI नंबर किसी भी मोबाइल डिवाइस की शनाख्त होता है। ये नंबर डिवाइस बॉक्स पर भी लिखा होता है। अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर मालूम नहीं तो IMEI नंबर मालूम करने के लिए मोबाइल डिवाइस से *#06# डायल करें और 15 हिंसों के IMEI नंबर को मैसेज ऑप्शन में जाकर 8484 पर SMS करें। तस्दीक हो जाने का पैगाम मौसूल होने की सूरत में आप डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर तस्दीक शुदा होने का पैगाम मौसूल हो तो ये मोबाइल डिवाइस पाकिस्तान के किसी भी नेटवर्क पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के मोबाइल नेटवर्क पर पहले से ज़ेर इस्तेमाल गैर तस्दीक शुदा मोबाइल डिवाइस की सर्विस जारी रहेगी। इन्हें मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।